तो वही लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में एनडीए इंडिया सीटों पर आगे चल रहा है। पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, अब ईवीएम से मतगणना शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 फेज में लोकसभा की 543 सीटों पर वोटिंग की तारीखें घोषित की थी और 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई, जो 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी समेत 57 सीटों पर खत्म हुई। 1952 के बाद 44 दिन का ये चुनाव सबसे लंबा रहा। 1952 में ये 4 महीने चला था और पहले अनुमान ये 30 से 40 दिनों में खत्म हो जाता था। वहीं काउंटिंग के बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय में तैयारियां भी की जा रही हैं। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पूरी और मिठाइयां बनना शुरू हो गई हैं। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में भी पकवान बनाए जा रहे हैं।